हेलो। सो एक और कॉमन क्वेश्चन जो आपको अपने वेबरेज सप्लायर्स से पूछना चाहिए कि आपको कौन सा इंडिकेटर वो दे रहे हैं। इंडिकेटर क्या होता है? जो लोड सेल से वजन आता है और उसके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद वहाँ वजन दिखाता है, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर शुड यू टेक? उसके अंदर कई तरीके के ऑप्शन आते हैं। अब एक इंडिकेटर वो होता है जो आपको खाली वजन दिखाएगा, कुछ स्टोरेज नहीं करेगा। एंड एक इंडिकेटर वो होता है जो स्टोरेज भी करेगा, प्रिंट भी करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। कुछ इंडिकेटर्स आर ओनली यूज फॉर डिस्प्ले, कुछ इंडिकेटर्स आर यूज फॉर स्टोरेज, एंड कुछ इंडिकेटर्स आर यूज फॉर डिस्प्ले, स्टोरेज एंड प्रिंटिंग। सो व्हाट व्हाट स्टोरेज डू यू रिक्वायर? अब आप ये बोलोगे कि आपको इंडिकेटर के अंदर स्टोरेज कितना चाहिए। इट कम्स फ्रॉम एज लेस एज 10,000 ट्रांजेक्शन्स। 10,000 ट्रांजेक्शन मतलब आप आधा कर दो, दो ट्रांजेक्शन ग्रॉस एंड टेयर मिला के एक ट्रांजेक्शन होता है, एक वेमेंट। तो अगर 10,000 ट्रांजेक्शन है तो आपके 5,000 ट्रांजेक्शन उसके अंदर वेमेंट्स हो सकते हैं। तो स्टोरेज गोज अप फ्रॉम एनी वेयर इन बिटवीन 10,000 ट्रांजेक्शन टू 2 लाख ट्रांजेक्शन, और इससे कई ज्यादा भी आजकल आने लग गया है। स्टोरेज इज सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए, कि इंडिकेटर के अंदर कैलिब्रेशन होता है विच गिव्स यू द एक्यूरेसी ऑफ द वेट। अब वो कैलिब्रेशन के लिए पासवर्ड्स होते हैं, कोई भी सेटिंग में घुसने के लिए पासवर्ड होता है। द टू काइंड ऑफ पासवर्ड सिस्टम यू कैन गेट, वन इज द नॉर्मल ईमेल पासवर्ड। अगर आप अपने ईमेल में कोई पासवर्ड सेट करते हो 123, तो आज जब लॉग इन करोगे और कल लॉग इन करोगे तो सेम पासवर्ड होगा। तो लेट मी टेल यू, अगर कोई भी वेबरेज आप लो और वहां जाके आप उसका पासवर्ड डालो और वो इंजीनियर जाके उसमें पासवर्ड डाल रहा है 123, तो आपका ऑपरेटर या कोई आदमी उसको देख सकता है, एंड दैट पासवर्ड कैन बी यूज्ड बाय दी ऑपरेटर और एनीवन टू एक्चुअली डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एज वेल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देर इज समथिंग कॉल्ड अ डायनामिक लॉकिंग पासवर्ड, विच इज अ इंटरचेंजिंग पासवर्ड, जो किसी को भी नहीं मालूम, इंजीनियर को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। वो एक मैसेज करते हैं और पासवर्ड आता है। तो सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे आप लॉकिंग के लिए स्टैंडर्ड पासवर्ड या डायनामिक लॉकिंग पासवर्ड भी ले सकते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट्स। सो वॉट आर दीज रिपोर्ट्स? दीज रिपोर्ट्स आर व्हीकल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, और एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जो आपको मिल सके उस इंडिकेटर से। फिफ्थ इज USB कनेक्शन हो सकते हैं उस इंडिकेटर से, एंड USB कनेक्शन से क्या होगा, आप उसे डेटा डंप करके अपना सर्वर में या अपने कंप्यूटर में लेके जा सकते हो। ऐसे करके आपके कई सारे और डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जिसके अंदर लैन पोर्ट होता है, RS-232 कम्युनिकेशन के लिए होता है। सो आपका यूज जो है, कि आपका यूज क्या है स्पेसिफिकली उस इंडिकेटर और उस डेटा को लेके, अकॉर्डिंगली आपको एक इंडिकेटर परचेज करना चाहिए और मांगना चाहिए। ये कोई नहीं समझाता एक प्रोस्पेक्टिव सप्लायर को, तो आपको ये बहुत समझ के लेना चाहिए, वरना आपको उसको वापस चेंज करने का कॉस्ट आ जाएगा। सो दीज आर ओनली द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर बाइंग अ इंडिकेटर, बट लेट मी टेल यू द मेनी मोर। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस इन द बिलो मेंशनड ईमेल एंड नंबर, और लीव अस अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। एंड टू गेट मोर वीडियोज अबाउट लोड सेल्स एंड वेवरेजेस एंड अदर थिंग्स, प्लीज 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 सब्सक्राइब to our channel to get all these information to take a perfect decision and not waste your money. Thank you.